हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनी एंड की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो बेसिकली सीन क्या है कि मुझे चेन्नई जाना पड़ रहा है एकदम से शूट के लिए, वो भी बस एक दिन के लिए। आ जाऊँगा कल रात को, आ जाऊँगा मैं तो। बस अब T3 पहुँच गया हूँ मैं, T2 से है वैसे, क्योंकि T3 से हम T2 भी पहुँच सकते हैं। तो बस वहाँ पहुँचने के बाद अपनी फ्लाइट है इंडिगो, वो लेते हैं और फिर चेन्नई के लिए निकलते हैं। तो चेन्नई में मैं ट्राई करूँगा कि आज शाम को बीच पे भी जाऊँ, क्योंकि मैंने देखा जहाँ मेरा होटल है वहाँ से मरीना बीच पास में ही है। तो पहुँचते हैं और जुड़े रहिएगा एंड तक, ये वीडियो भी अच्छी होने वाली है। जब आप T3 से T2 के लिए जाते हैं, अगर आप स्पेशली मेट्रो से आ रहे हैं तो काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, लेकिन ठीक भी है। अगर आप कैब से आते हैं, स्पेशली जहाँ मैं रहता हूँ गाज़ियाबाद में, वहाँ से 700-800 रुपये कैब के लगते हैं और मुझे अब लगे सिर्फ 70 रुपये, 70-80 रुपये लगे बस मेट्रो से, और आराम से पहुँच गए। इंटरनेशनल अराइवल है यहाँ। तो रात को कभी आओगे यहाँ पे तो बहुत भीड़ मिलेगी यहाँ पे। तो मेट्रो से उतरने के बाद अगर आपको T2 जाना है तो बिल्कुल एंड में आ जाइए, ये पिलर नंबर 18 के पास। यहाँ से राइट में से रास्ता जाता है T2 के लिए, ये लिखा सामने T2। तो वो रहा मेरे सामने टर्मिनल 2 डिपार्चर। आप फटाफट अंदर चलते हैं और चेकिंग करवाते हैं। सो बस मैंने इसमें से अपना बोर्डिंग पास ले लिया है, क्योंकि मुझे बैग चेकिंग में नहीं देना था, कैबिन बैग ही है मेरे पास। और यहाँ से करवाते हैं सिक्योरिटी चेकिंग। तो बस यहाँ से हमारा हो गया चेकिंग बड़ा स्मूथली जल्दी। अब चलते हैं अंदर अपने गेट की तरफ। अभी आए हैं हम ये लाउंज पे, देखते हैं लाउंज पे मेरा कार्ड चलता है नहीं। तो लाउंज में मेरी बात नहीं बनी, क्योंकि मेरा कार्ड है जो है वो T3 पे चलता है, पता नहीं T2 पे क्यों नहीं चलता, आई डोंट नो द रीज़न। तो चलिए अब चलते हैं अपने गेट के पास, पहले मुझे प्यार से थोड़ा पानी पीते हैं। तो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है गेट नंबर 32 से, ये लंबी लाइन लगी है अभी, तो अभी नहीं जा रहे हम, लाइन लगने में फ़ायदा नहीं, सीट तो अपनी पक्की है। बस थोड़ी सी भीड़ कम हो जाएगी तब अंदर जाके बैठते हैं। अब अंदर हम बैठ रहे हैं फ्लाइट में। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे जो है विंडो सीट दे दो, लेकिन भाई साहब पूरी फुल जा रही है, एक भी सीट अवेलेबल नहीं थी। देखो पूरा एंड तक एक भी सीट अवेलेबल नहीं है, फुल 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 फुल, मेरी सीट चेंज नहीं हो पाई। चलो उतर गए हैं। मेरे साथ जो है एक ओल्ड लेडी भी है जो दूसरी एक्टर है, उनके साथ वो व्हील चेयर पे हैं, तो इसे थोड़ा टाइम लग गया है उतरने में, तो बस वो पीछे आ रहे हैं। और बाकी चेन्नई एयरपोर्ट पहुंच गए हम। होटल से निकले हैं मरीना बीच के लिए, थोड़ा सा रेस्ट किया, आराम किया खाना खाने के बाद, और उसके बाद निकल गए हम मरीना बीच के लिए। तो अराउंड 6 किलोमीटर था हमारे होटल से। तो बस अब देखते हैं, वैसे तो ये ईस्ट साइड है तो सनसेट देखने का यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं होता है, क्योंकि इस तरफ सनराइज़ होता है, तो इसलिए मैं आराम से निकला। देखते हैं, अभी तो 7 o'clock हो रहे हैं, कि शाम को वहाँ पर कैसा माहौल होता है। तो बस अब पहुंच गए हम मरीना बीच पे। ओके, देखते हैं भाई कैसा है मरीना बीच। काफी क्राउड है,
काफी क्राउड है। चटाई वटाई अपना लेके पिकनिक मना रहे हैं लोग। हाउस राइट भी है और दिस इज द मरीना बीच। ये भी काफ़ी बड़ा ह्यूज दूर तक मरीना बीच है ये यहाँ पे, और हम चल के आए हैं वहाँ से काफ़ी दूर पैदल। भाई साहब मस्त एकदम से। यहाँ पर बच्चों के लिए मेला भी है, अलग अलग झूले बने हुए हैं, पागलों की तरह उधर कहीं चले गए थे हम। लेकिन जो सही लोकेशन है वो यहाँ पे है। अगर आप इधर आएंगे तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर पाथ बना हुआ है बीच पे जाने के लिए, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। आपको देख रहे होंगे यहाँ पे डिसेबल्ड लोगों के लिए भी, अगर व्हीलचेयर से आते हैं तो वो भी जा सकते हैं एंड तक। बीच पे ये पॉइंट है फेमस, एक तो ये है विवेकानंद कल्चरल सेंटर और दूसरा है ये विवेकानंद हेरिटेज म्यूज़ियम। तो इसके आवर्स तो मॉर्निंग में होते हैं, इस टाइम तो नहीं खुला होता। तो बेसिकली हम वॉक करते हुए अभी जयललिता और करुणा नदी के सेमेट्री पे जा रहे हैं, वो थोड़ा सा वॉक करके और जाएंगे। और अगर राइट साइड में देखोगे ना आप, इस वक्त देखो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे बहुत कम है। और जिस एरिया में हम पहले गए थे वहाँ पे बहुत भीड़ थी। इसका ये मेन चौक है, यहाँ पर भीड़ देखो कितनी है। तो यहाँ पे है जयललिता की सेमेट्री। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है सामने। ये चेन्नई की मार्केट में घूम रहे हैं और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। साथ में बहुत सुंदर सा मंदिर दिखाई दे रहा है, पता नहीं कौन सा एरिया है ये, I don't have any idea. अलग अलग लेन्स बनाई हुई हैं, पता नहीं ये शायद वॉक करने वालों के लिए है या बाइक साइकिल वालों के लिए। ऑटो भी दिखाई दे रहे हैं इस वाली लेन में, और बीच में मेन लेन है। चेन्नई में ना ज्वेलर्स की शॉप बहुत है, यहाँ एक ये ज्वेलर्स है, एक ये खजाना ज्वेलर्स है, और मेरे इस तरफ भी काफ़ी ज्वेलर्स हैं। मतलब चेन्नई में ज्वेलरी का काम बहुत होता है। तो अगले दिन की शुरुआत हो गई है, तो सुबह 6 बजे उठ गया था मैं, 7 बजे का कॉल टाइम था, तो मैं स्टैक पर पहुंच चुका हूँ, रेडी हो चुका हूँ मैं ऊपर से नीचे तक। तो बेसिकली मेरा जो फादर का करेक्टर है जो अडॉप्ट करने आए हैं एक बच्चे को, तो ऐसा कुछ है। बाकी जब एड रिलीज़ होगा तो आपको पता चल जाएगा, आई विल शो यू द लिंक। बाकी ये स्कूल है कोई सेंट पैट्रिक्स स्कूल जहाँ पे हमारा शूट है, तो उधर सेटअप लगा हुआ है और हवा अच्छी चल रही है। चेन्नई अच्छा है, मतलब ठीक है, लेकिन ह्यूमिड काफ़ी है यहाँ पर। हमारे यहाँ हीट वेव्स मतलब लू बहुत चलती है, यहाँ पे वैसे हवा तो ठीक है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत है। तो बस अब अपने शॉट का वेट कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो हमारी दूसरी शूट लोकेशन है ये,
ये भी कोई फार्म हाउस है। यहाँ पे बता रहे थे कि यहाँ पे अधिकतर मूवी शूट होती हैं। या हाँ, यहाँ पे इनके प्रीमिसेस में ये आम के पेड़ भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े आम हैं। ये देखो तो बस ये इनकी एंट्रेंस है और यहाँ पे अंदर चल रही है तैयारी शूट की। तो लोकेशन यहाँ पे हमारा शॉट होना है। बस मैं हो गया हूँ रेडी, थोड़ी देर में शॉट शुरू होने वाला है। तो इसमें मुझे तमिल में डायलॉग्स बोलने हैं। तमिल तो ऑब्वियसली मुझे आती नहीं है, लेकिन मैंने लाइंस समाव याद कर ली है। तो देखते हैं कैसा जाता है। तो लाइंस कुछ इस तरीके से हैं। इल प्रवेदा आना पोदुमन अलवको संवाद में रखम। सही बोला ना। तो चल रहा है हमारा शूट यहाँ पे। सब तैयारी हो चुकी है, डायलॉग्स भी सही जा रहे हैं। हमारा क्लोजअप शॉट चल रहा है, बिल्कुल मुंह पे कैमरा है और सारी टीम हमारे शॉट के लिए रेडी है। तो बस अब शॉट देते हैं अच्छा सा। तो बस उसी रात शूट ख़त्म करके मैं वापस घर के लिए निकल गया। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ढेर सारे कमेंट करें। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।